नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम वक्त रह गया है, ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी करी है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसद के भी नाम होंगे जो केंद्र में मंत्री है। सोमालिया कोस्ट के पास हाईजैक हुए एमवी लीला नॉरफॉक जहाज में सवार 15 भारतीय समेत सभी 21 क्रू मेंबर को नेवी ने बचा लिया है। अगवा किए जाने के बाद ही भारतीय नौसेना ने सोमालिया तट के पास ऑपरेशन शुरू कर दिया था और समुद्री लुटेरों को चेतावनी दी। इसके बाद जब कमांडो नॉरफॉक जहाज पर उतरे तो लुटेरे फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से पकड़ा है। स्पेशल सेल ने उसके पास से अत्याधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भगवान राम सबका ख्याल रखेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भजनलाल शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 72 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वही 121 RSS अधिकारियों पर गाज गिरी है, उनका भी ट्रांसफर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में प्रवर्तन निदेशालय ने राशन घोटाला मामले में बोगांव नगर पालिका के पूर्वाध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार किया है। बीते दिन ईडी की टीम पर हमला किया गया था। मुंबई के कई प्रमुख म्यूजियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इनमें कोलाबा में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, वर्ली में नेहरू विज्ञान केंद्र समेत कई प्रमुख म्यूजियम शामिल हैं। सभी म्यूजियम में विस्फोट की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं। पूर्व सीएम द्वारा नियुक्त कलेक्टरों और अधिकारियों को हटा रहे हैं। बीजेपी की यह इंटरनल पॉलिटिक्स है। पटवारी ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में होने वाली DIG और DG पुलिस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। वह शुक्रवार की रात जयपुर पहुंच चुके थे। आज शाम करीब 4 बजे इसरो का आदित्य अपने L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसरो ने सूरज की स्टडी के लिए आदित्य सोलर ऑब्जर्वेटरी को भेजा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की SIT को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15,000 करोड़ रुपए के महादेव बेटिंग ऐप मामले में SIT ने पहली गिरफ्तारी की है। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद माटुंगा पुलिस ने मामला दर्ज किया था और SIT का गठन किया गया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दीक्षित कोठारी है। पुणे सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर शरद मोहल की हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 5 राउंड गोली भी जब्त की है। आगे की जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में आज राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश की MP MLA कोर्ट में पेश की है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। असम के मोरीगांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन के पास जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना में कोई हताहत नहीं है। सभी यात्रियों को बोगी से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। महाराष्ट्र में भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों से संबंधित 2 भूखंडों को शुक्रवार को हुई नीलामी में 2 करोड़ रुपए से अधिक में बेच दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नीलामी का आयोजन तस्कर और विदेशी मुद्रा हेर फेर करता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की ओर से किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने अहम निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगले 15 दिनों तक लोगों को अधिक ध्यान रखना होगा। टास्क फोर्स ने सलाह दी है कि जो मरीज बुखार सर्दी और खांसी से पीड़ित है उनकी कोविड की जांच करनी जरूरी है। कोविड टास्क फोर्स की बैठक 2 जनवरी को हुई थी। बैठक में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना से संक्रमित होने पर 5 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के संबंध में धन शोधन मामले की जांच के तहत शुक्रवार को बारामती एग्रो और उससे जुड़ी कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की। बारामती एग्रो कंपनी के मालिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार है। एक सर्वेक्षण के दौरान महाराष्ट्र के पेंचबाग अभयारण्य की गोल पहाड़ी द्वीप पर पॉलीगोनम वंश के पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। एक वन अधिकारी ने यह दावा किया है। पीटीआर के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला ने कहा कि पेंच में एक साल तक पुष्प सर्वेक्षण किया गया, जिसके दौरान 554 वंश और 117 कुल से संबंधित 863 पौधों की प्रजातियों की जानकारी मिली है। बिग बॉस 17 में बीती शाम अभिषेक कुमार को समर पर हाथ उठाने के चलते शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये पावर बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे को दिया था। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए अभिषेक को शो से बाहर कर दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।